क्रिया का पाप सारी दुनिया पकड़ लेती है। कहलवे ना, क्रिया का पाप समझ गए ना, कोई भी पकड़ लेगा। हम झूठ बोलेंगे, आप पकड़ लोगे। हम ऐसे चलेंगे, किसी जीव के ऊपर पैर रख देंगे, आप पकड़ोगे। किसी जीव को मार दिया, हम अभक्ष खाएंगे, आप पकड़ लोगे। कहलवे है कि नहीं? माने क्रिया का पाप स्थूल है, कोई भी पकड़ सकता है। परिणाम का पाप हर कोई नहीं पकड़ सकता दूसरे का, लेकिन परिणाम का पाप जो हमारे अंदर भाव चल रहे हैं, वो क्या चल रहे हैं, वो हम तो नहीं जानते, लेकिन आप स्वयं तो जरूर जानते हैं। कि मैं मंदिर आया और मंदिर में पूजा में गया तो मेरे अंदर क्या भाव चल रहे थे। अरविंद जी तो पूजा कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है, रमेश जी पूजा कर रहे हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है, लेकिन हो सकता है उनका पूजा में बिल्कुल भाव ही नहीं था, उनका पूरा भाव तो कहीं और चिंता में चला गया, लेकिन वो हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि हम तो क्रिया से पकड़ सकते हैं। नहीं सर, हाँ ये हो सकता है कि हम इनको देखें कि जी सामग्री नहीं चढ़ा रहे, ये इधर उधर देख रहे, तो हम कह देंगे कि साहब ये सही पूजा नहीं कर रहे, लेकिन ये सामग्री बराबर चढ़ाए और भगवान की तरफ टिकटक टकटकी लगा के देखते रहे, तो हम तो यही समझेंगे ना कि पूजा बढ़िया हो रही है, भक्ति से कर रहे नहीं। और सही बात बताओ, ऐसा तुम कितने बार धोखा देते हो दूसरों को, है? अब मैं रोज तो नहीं कह रहा, अब वो तो जैन साहब कह रहे हैं रोज ही दे रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं 100 दफे में से 90 दफे तो देते हो, और तुम अपने आप को कह रहे हैं कि मैं साहब पुण्य ज्यादा कर रहा हूं, कहां कर रहे हैं, 90 दफे धोखा दिया, समझ में आया? तो क्रिया का पाप तो दुनिया पकड़ लेती है, लेकिन परिणाम का पाप वो ही पकड़ता है जो थोड़ा परिणामों की तरफ जाता है, देखता है, मतलब थोड़ा सा जागृत है, समझ लो कि देखता है कि देखो आज भाव नहीं लगे, लेकिन अभिप्राय का पाप वो तो भाई साहब सम्यक दृष्टि को ही समझ में आता है, मिथ्या दृष्टि के बस का ही नहीं है वो अभिप्राय का पाप पकड़ना, उसको पता ही नहीं चलता कि अभिप्राय में क्या चल रहा है। आपने पूजा करी, सुनो गजब की बात बता, और बहुत बढ़िया भावों से करी, और आपकी मान्यता ये बनी रह सकती है कि मैंने आज पूजा कितनी बढ़िया करी, आज मेरे भाव बहुत बढ़िया लगे। अब मुझे बताओ, ये मान्यता सम्यक दर्शन है कि मिथ्या दर्शन है कि मैंने पूजा करी? अब उस तरफ किसका ध्यान जाता है? हम धर्म के नाम पर सबसे पहले क्रिया सुधारते हैं। क्या सुधार दें? कोई हमारे पास मंदिर में ही पूजा करने आए और वो आपसे कहे कि हमें पूजा करना सीखना है, तो आप ये कहते हो कि भाव सुधारो। अब क्या कहते हो? देखो ये जल है, ये चंदन है, ये अक्षत है, ये पुष्प है, ये नैवेद्य, ये दीप, ये धूप, ये फल, ये अर्घ, और इन 8 को मिला लो तो ये अर्घ बन जाते हैं। और जो जल है, ये चंदन है, और जो ऐसे जब वो स्थापना करें तो जो पीले वाले पुष्प चावल लेके ऐसे स्थापना करना है इस पर, ठीक है? ऐसे सिखाते हो ना? किसी को आज तक तुमने पूजा में ये सिखाया कि भैया तुम्हारे भाव निर्मल होने चाहिए, हैं? चलो भाव निर्मल तो छोड़ो, इसके आगे की कहानी तो ये कि पूजा तुम ही नहीं करते ही ख्याल में आएगी नहीं, ये तो जड़ की क्रिया है, तुम तो चेतन तत्व हो, इस तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता।